आज के पार्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग टॉप व्यू में जाएंगे और उसके बाद सेलेक्ट करेंगे सर्कल ऑप्शन को। सर्कल रेडियस को सेलेक्ट करने के बाद हम लोग एक सर्कल बनाएंगे 16 mm रेडियस का, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है लाइन का, लाइन कमांड को एक्टिवेट करेंगे और इस सेंटर से एक लाइन बनाएंगे हम लोग हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू होगी हमारे पास 6 mm, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वैल्यू हमारे पास होगी 2 mm, और इसके बाद में हम लोग रेडियस सर्कल को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद एक 13 mm रेडियस का एक सर्कल बना देंगे, और उसके बाद ये अंदर वाली लाइंस को सिलेक्ट करके कर देंगे डिलीट। इन लाइंस को डिलीट करने के बाद एक लाइन बनाएंगे हम लोग पहले वाले सेंटर से, और जो कि दोनों सर्कमफेरेंस को कट करके जाएगी, और टैब की का यूज़ करेंगे, और उससे पहले हम लोग अर्थ मोड को ऑफ कर देंगे, और उसके बाद एंगल वैल्यू पुट करेंगे 163 डिग्री, और ये देखिए 163 डिग्री पर ये लाइन बन चुकी है। और अभी इस लाइन को कर लेंगे सिलेक्ट और कर देंगे ऑफसेट दोनों डायरेक्शन में। पहले इस डायरेक्शन में ऑफसेट करेंगे हम लोग, जिसकी वैल्यू होगी हमारे पास 8.5 mm। इन दोनों डायरेक्शन में हम लोग कर लेंगे इसको ऑफसेट, और ऑफसेट करने के बाद हम लोग अंदर वाली लाइन को सिलेक्ट करके कर देंगे सिंपली डिलीट, और उसके बाद हम लोग सिंपली टाइप करेंगे एक्सटेंड कमांड को, टाइप करेंगे EXTEND, और एक्सटेंड कमांड को टाइप करने के बाद लाइन सर्कल को सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद हम लोग इंटर करेंगे फिर लाइन को सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए हमारी लाइन अप टू द सर्कल एक्सटेंड हो गई है। इसके बाद हम लोग TR डबल इंटर करेंगे और इन लाइंस को ट्रिम कर देंगे जो हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। हमें अपने प्रोडक्ट में जो लाइंस नहीं चाहिए उनको सिंपली हम लोग जाके डिलीट कर देंगे, जैसे इसको इरेज कर देंगे। अभी ये सभी लाइन हमारे प्रोडक्ट में नहीं आएंगी। अब ये डिलीट नहीं हो रही तो इसको हम लोग सिंपली सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, इसको ड्रैग कर लेते हैं। और इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है लाइन कमांड का, लाइन कमांड को एक्टिवेट करेंगे, इस सर्कल पे जाके करेंगे क्लिक, और एक लाइन बनाएंगे हम लोग जिसकी वैल्यू होगी हमारे पास 110 mm, और इसके बाद हम लोग इस लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे और ऑफसेट कर देंगे दोनों साइड पे। ये ऑफसेट कमांड पे गए और उसके बाद इसके सेंटर पे क्लिक किया, और अपवर्ड डायरेक्शन में इसे ऑफसेट करेंगे हम लोग, जिसकी वैल्यू हमारे पास होगी 5.5। ये 5.5 हम लोग दोनों साइड में इसे ऑफसेट कर लेंगे, और इसके बाद हम लोग दूसरे एंड पे जाके सर्कल डायमीटर को सेलेक्ट करके यहाँ पे इस पॉइंट से हम लोग एक सर्कल बनाएंगे 29 mm डायमीटर का, और इसके बाद फिर से हम लोग जाएंगे सर्कल कमांड पे, और उसके बाद सेलेक्ट करेंगे सर्कल को, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक सर्कल रेडियस सर्कल बनाएंगे 9 mm का, और इसके बाद इस सर्कल को कर लेंगे सिलेक्ट, और इसे हम लोग मूव करेंगे, मूव कमांड पे गए और इसे हम लोग मूव कर लेंगे सामने की डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू हमारे पास होगी 6 mm, और उसके बाद अपवर्ड डायरेक्शन में इसे फिर से सिलेक्ट करके एम इंटर करके मूव कर लेंगे। ऑर्थो मोड ऑन होना चाहिए, जिसकी वैल्यू होगी हमारे पास 2 mm अपवर्ड डायरेक्शन में इसे मूव कर लिया। अभी हम लोग लाइन कमांड का यूज़ करके इस एंड से एक लाइन बनाएंगे हम लोग, जिसका एंगल होगा हमारे पास 70 डिग्री, और दोनों पेरीफेरी को ये कट करके लाइन जानी चाहिए। अभी ये देखिए ये एक लाइन बना दिया 17 डिग्री पे, और इसके बाद इसको ऑफसेट कर लेंगे हम लोग दोनों डायरेक्शन में, जिसकी ऑफसेट वैल्यू होगी हमारे पास 6.5। फिर से सिलेक्ट किया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑफसेट कर लिया, ये देखिए हमारी लाइन ऑफसेट हो गई। अभी पूरे पार्ट को सिलेक्ट किया और ट्रिम कमांड को एक्टिवेट कर लिया। अभी इस पार्ट को कर देंगे ट्रिम, क्योंकि हमें ये ड्राइंग में आगे नहीं चाहिए, हमें जो जो पार्ट नहीं चाहिए उनको सिंपली हम लोग सिलेक्ट करके ट्रिम कर देंगे।
ये देखिए जैसे इस प्रकार से कुछ ये सभी पार्ट को हम लोग ट्रिम कर देंगे। अभी ये पार्ट ट्रिम नहीं हो रहा है क्योंकि वो बीच वाली लाइन उसको कट करके नहीं गई है, इसीलिए हम लोग एक्सटेंड कमांड पे जाएंगे और उसके बाद सर्कल को सिलेक्ट किया हुआ है फिर लाइन को सिलेक्ट करेंगे। ये लाइन एक्सटेंड हो चुकी है अप टू द सर्कल। अभी ट्रिम पे जाएंगे, ये देखिए पार्ट ट्रिम हो गया। अभी बीच वाली लाइन को सिलेक्ट करके सिंपली डिलीट कर देंगे। इस लाइन को डिलीट करने के बाद हम लोग इस पार्ट को भी ट्रिम कर देंगे, इन लाइन्स को भी ट्रिम कर देंगे क्योंकि ये हमें ड्राइंग में चाहिए ही नहीं। इस इन लाइंस को भी जो अंदर बीच में है इन्हें भी हमें ट्रिम करना पड़ेगा, ये वाली लाइंस को। ये देखिए सभी ट्रिम हो जाएंगी ऐसे करके। इधर साइड में भी जो हमारे पास लाइंस हैं इनको भी ट्रिम कर देंगे हम लोग। अभी बीच वाली लाइन को सिलेक्ट करके कर देंगे डिलीट। ये ट्रिम हो गया पार्ट, अभी इन लाइन इसको भी डिलीट कर देंगे। अभी हम लोग चले जाएंगे आइसोमेट्रिक व्यू में, फिर टॉप व्यू को चेंज कर देंगे आइसोमेट्रिक व्यू में। आइसोमेट्रिक व्यू में जाने के बाद हम लोग जाएंगे प्रेस पुल कमांड। प्रेस पुल कमांड पे जाने के बाद इस पार्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेस पुल कर लेंगे जिसकी वैल्यू हमारे पास होगी 2.5 mm और इसकी भी वैल्यू 2.5 mm होगी। इसके बाद हम लोग बीच वाले पार्ट को प्रेस पुल करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन। इसको प्रेस पुल करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में 2 mm। अभी हम लोग रोटेट कर लेंगे मॉडल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में और इसके बाद हम लोग 2D वायर फ्रेम को चेंज कर देंगे शेड्स ऑफ ग्रे में। अभी इसको प्रेस पुल करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू होगी 2.5 mm और बीच वाले को भी प्रेस पुल कर लेंगे 2 mm और इसको भी प्रेस पुल करेंगे हम लोग 2.5 mm। अभी रोटेट करेंगे मॉडल को, आइसोमेट्रिक व्यू में चले गए। अब हम लोग करेंगे UNI इंटर और सभी अलग अलग पार्ट्स को सिलेक्ट करके कर देंगे हम लोग यूनियन। यूनियन कर ये देख ले रहे हैं कि सभी पार्ट सिलेक्ट हैं या नहीं और इंटर कर देंगे। ये देखिए सभी पार्ट ज्वाइन हो गए हैं। अभी हम लोग करेंगे सिलेक्ट एज इंटर और इसके बाद आर इंटर और 23 रेडियस डाल के कॉर्नर को सिलेक्ट करेंगे। रोटेट करेंगे मॉडल को, दूसरे कॉर्नर को भी सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कर देंगे इंटर। ये देखिए हमारी फिलेट हो चुकी है। अभी फिर से फिलेट एज कमांड का करेंगे एक्टिवेट, उसके बाद आर इंटर, उसके बाद रेडियस वैल्यू पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे 47 और इसके बाद कॉर्नर बता देंगे। यहाँ पे जाके कॉर्नर पे क्लिक किया, रोटेट किया, दूसरे साइड के कॉर्नर पे जाके क्लिक करेंगे। और इंटर कर देंगे। ये देखिए हमारा मॉडल ऐसा बन चुका है। अभी हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू में चले जाएंगे। अभी 2D वायर फ्रेम में चेंज करके जो अंदर वाला स्ट्रक्चर था 2D वायर फ्रेम उसको हम लोग सिलेक्ट करके सिंपली डिलीट कर देंगे यहाँ पे क्योंकि हमें अब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपली ऐसे सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। आइसोमेट्रिक में जाएंगे, ये टू शेड्स ऑफ ग्रे में चले गए। अभी हम लोग यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे फिलेट एज और इंटर कर देंगे और इसके बाद हम लोग आर इंटर करेंगे
उसके बाद रेडियस वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग 1 और कॉर्नर को कर लेंगे सिलेक्ट। ये देखिए ऐसे करके हम लोग सिंपली कॉर्नर्स को सेलेक्ट कर लेंगे। वन बाय वन हम लोग सभी कॉर्नर्स को सेलेक्ट कर लेंगे, रोटेट कर लेंगे मॉडल को दूसरे साइड के कॉर्नर को सेलेक्ट करने के लिए। ये देखिए रोटेट कर लिया, अभी कॉर्नर को भी सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग और इंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए मॉडल हमारा कंप्लीट हो चुका है। आइसोमेट्रिक व्यू में चले जाएंगे और कलर को चेंज करने के लिए हम लोग सजेस्टेड वीडियो देख सकते हैं।